नमस्कार दोस्तों, लिखाओ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स मई 2019 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली जो हमारी नई वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डेग हैमरसोल्ड मेडल दिया गया है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलते हैं 3 सेकेंड। सही आंसर है ए, जितेंद्र कुमार। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 119 सैनिकों को इस मेडल द्वारा सम्मानित किया गया है। यह उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अदम्य साहस का परिचय दिया हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलते हैं 3 सेकेंड। सही आंसर है मसूद अजहर। संयुक्त राष्ट्र ने 1 मई 2019 को आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसमें जलवायु आपातकाल लागू किया गया है? सही आंसर है बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद जलवायु आपातकाल घोषित करने वाली विश्व की पहली संसद बन गई है। निम्नलिखित में से किसने लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के बेगूसराय सीट से जीत दर्ज की है? सही आंसर है बी, गिरिराज सिंह। बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने बेगूसराय लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कन्हैया कुमार जो सीपीआई के उम्मीदवार है उसको 4 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया है। विश्व अस्थमा दिवस 2019 का थीम क्या है? सही आंसर है ए, स्टॉप फॉर अस्थमा। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और वर्ष 2019 के लिए विश्व अस्थमा दिवस का जो थीम है वो है स्टॉप फॉर अस्थमा। हाल ही में किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है? सही आंसर है सी, राणा दास गुप्ता। फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को भारत में लॉन्च करने से पहले इसके वैश्विक संचालन के लिए किस शहर को सेंटर बनाने का फैसला लिया है? सही आंसर है बी, लंदन। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2019 का खिताब जीता है? सही आंसर है डी, मुंबई इंडियंस। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के फाइनल मुकाबले में 12 मई 2019 को मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम्स को 1 रन से हराकर यह खिताब जीत लिया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया है? सही आंसर है स्कॉट मॉरिसन। अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराकर निम्नलिखित में से किसने जीत दर्ज की है? सही आंसर है डी, स्मृति ईरानी। बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। हाल ही में किस देश को बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डी, कनाडा। $10 कीमत वाले कनाडाई नोट को 2018 के बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। यह दुनिया का पहला वर्टिकल नोट भी है। भारत और किस देश की नौसेनाओं के संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण का पहला भाग गोवा समुद्र तट के पास आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है बी, फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन जापान का नया सम्राट बना है? सही आंसर है बी, नारुहितो। हाल ही में कौन सी भारतीय निशानेबाज महिला 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? सही आंसर है ए, अपूर्वी चंदेला। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली
और किस विकेट कीपर बल्लेबाज को देश की प्रमुख वेलनेस फर्म हिमालय ड्रग कंपनी का नया आधिकारिक ब्रांड दूत बनाया गया है? सी आंसर है बी ऋषभ पंत। रेल अधिकारियों ने 16 मई 2019 को बताया कि भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने बिना कोई ट्रिप छोड़े अपनी कितने लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है? सही आंसर है बी 1 लाख किलोमीटर। जोको विडोडो हाल ही में दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ए इंडोनेशिया। पाकिस्तान ने 20 मई 2019 को राजनयिक मोइल उल हक को किस देश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? सही आंसर है सी भारत। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का थीम क्या है? सही आंसर है हमारी जैव विविधता हमारा खाद्य हमारा स्वास्थ्य। विश्व भर में 22 मई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पीएसएलवी C-46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? सही आंसर है सी रिसेट 2B। यह इस सीरीज का चौथा सैटेलाइट है। रिसेट सीरीज का पहला सैटेलाइट 20 अप्रैल 2009 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है? सही आंसर है डी व्लादिमीर जेलेंस्की। हाल ही में किस भारतीय डॉक्टर को ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बी हेमा दिवाकर। उन्हें यह सम्मान भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंध की महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया गया है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किड्स राइट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है डी 117। इस सूची में पहले स्थान पर है आइसलैंड। भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? सही आंसर है सी चंद्राणी मुर्मू। देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद 25 वर्षीय चंद्राणी मुर्मू इंजीनियरिंग में स्नातक है। वह बीजू जनता दल के टिकट पर क्योंझर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंची है। डीआरडीओ द्वारा जमीन में 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? सही आंसर है सी आकाश-1S। आकाश मिसाइल फाइटर जेट्स ड्रोन क्रूज मिसाइल और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। अजय देवगन के पिता एवं बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सही आंसर है ए वीरू देवगन। वीरू देवगन एक मशहूर स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर और डायरेक्टर भी थे। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? सही आंसर है सी 62। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 64 सीटें मिली है, जिसमें 62 सीटें बीजेपी को और दो अन्य दल के हिस्से में आई है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अंगुंग में विस्फोट हो गया है? सही आंसर है सी बालीद्वीप। माउंट अंगुंग एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे गुनुंग अंगुंग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह
की खोज की गई है? सही आंसर है बी, सनोली। हाल ही में किस गैर ब्रिटिश क्रिकेटर को पहली बार मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष घोषित किया गया है? सही आंसर है डी, कुमार संगकारा। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को हाल ही में मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 3 मई को। वर्ष 2019 के प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है मीडिया एवं लोकतंत्र, गलत सूचना के दौर में पत्रकारिता एवं चुनाव। नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 99942 एपोफिस नामक एस्ट्रॉइड किस वर्ष पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा? सही आंसर है सी, 2029। इसका आकार लगभग 1100 फीट है। यह पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड होगा। 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा रहा है? सही आंसर है सी, इराक। श्रीराम पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में काम करने वाले बंगाली अभिनेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सही आंसर है डी, मृणाल मुखर्जी। वर्ष 2019 को किस नाम से मनाने के लिए भारतीय थल सेना ने हाल ही में घोषणा की है? सही आंसर है ए, ईयर ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? सही आंसर है सी, इमरान ताहिर। आईपीएल 2019 के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है और इमरान ताहिर ने पर्पल कैप का खिताब जीत लिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ करीब कितने रुपए के राहत पैकेज को लेकर समझौता हो गया है? सही आंसर है बी, 42,000 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीईएटी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डी, स्मृति मंधना। हाल ही में सीईएटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कारों में विराट कोहली को पुरुषों की श्रेणी में और तथा स्मृति मंधना को महिलाओं की श्रेणी में क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ए, छाया शर्मा। निर्भया रेप कांड में जांच पड़ताल करने वाली भारतीय आईपीएस अधिकारी छाया शर्मा को हाल ही में मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। विश्व कप की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर समर्पित पत्रिका आरंभ करने वाले प्रकाशक का क्या नाम है? सही आंसर है डी, यश लाहोटी। अमेरिका के किस संस्थान द्वारा पहली बार पूरी तरह रिसाइकल होने वाली प्लास्टिक की खोज की है? सही आंसर है सी, लॉरेंस बर्केली नेशनल लेबोरेटरी। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के शोधकर्ताओं ने लॉरेंस बर्केल नेशनल लेबोरेटरी में 100% पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक बनाया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? आंसर है ए, एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के निर्माता के अनुसार लोकसभा चुनाव के परिणाम के एक दिन बाद कितने मई को फिल्म रिलीज हुई? सही आंसर है डी, 24 मई को। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हिना सिंधु और अंकुर मित्तल का नाम
किस पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया है? सही आंसर है ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फ्रांस ने इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी एल ऑर्डर, नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर है डी, ए एस किरण कुमार। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 2 मई 2019 को रूस में खेले गए अली अलीयेव टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है बी, स्वर्ण पदक। बजरंग ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बोर्ड में पहली बार स्वतंत्र महिला निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ए, जयश्री व्यास। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने जीरो पेडेंसी नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है? सही आंसर है सी, दिल्ली उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है डी, फ्रांस। भारत को ऑस्ट्रेलिया, चिली और दक्षिण अफ्रीका के साथ G7 देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन 24-25 अगस्त 2019 के दौरान फ्रांस के बियारिट्स में किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को वर्ष 2019 के 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार हेतु चुना गया है? सही आंसर है ए, एनी जयदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फानी प्रभावित ओडिशा को कितने रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है? सही आंसर है ए, 1,000 करोड़ रुपये। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल ने 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में खेले जाने वाले 2019 क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस क्रिकेट टीम के साथ करार किया है? सही आंसर है बी, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने दुनिया भर में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कितने नए पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की है? सही आंसर है डी, 2। 2 नई पुरस्कार श्रेणियों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ए, 8 मई को। किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? सही आंसर है सी, शाहिद अफरीदी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पनामा के राष्ट्रपति पद के लिए चुनावों में जीत दर्ज की है? सही आंसर है लॉरेंटिनो कोर्टेज़ो। रात में लड़ने की क्षमता से लैस कौन से टैंक को भारत ने रूस से खरीदने हेतु समझौता किया है? सही आंसर है ए, T-90 भीष्म। निम्न में से किस देश ने H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? सही आंसर है डी, अमेरिका। ATP रैंकिंग में पुरुषों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? सही आंसर है ए, नोवाक जोकोविच। ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले स्थान पर है और स्पेन के राफेल नडाल दूसरे नंबर पर है, रोजर फेडरर तीसरे स्थान पर है। सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर होने वाले जस्टिस का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में फिजी ने अपनी सुप्रीम कोर्ट के गैर नागरिक पैनल में जज के तौर पर नियुक्त किया है? सही आंसर है डी, जस्टिस मदन बी लोकुर। RBI ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए किस नाम से पहल आरंभ की है?
सही आंसर है बी, विजन 2021। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जल्द ही वह गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले कितने रुपए के नए नोट जारी करेगा? सही आंसर है बी, 10 रुपये। हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज कमाई के मामले में किस इंडियन कंपनी को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? सही आंसर है ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ए, जोखा अलार्थी। निम्नलिखित में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 20 मई को। ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले भारतीय मूल के उम्मीदवार का क्या नाम है? सही आंसर है बी, दवे शर्मा। निम्न में से किस देश की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी सोनी ने 22 मई 2019 को खुलासा किया कि वह भारत सहित कई देशों में अपना स्मार्टफोन बेचना बंद कर देगी? सही आंसर है ए, जापान। सोनी ने कहा कि वह फिलहाल जापान, यूरोप, ताइवान और हांगकांग के अपने स्मार्टफोन कारोबार पर ही फोकस करना चाहती है। भारतीय वायुसेना के अनुसार किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिन के समय में किसी मिशन को अंजाम देने में पारंगत होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? सही आंसर है डी, भावना कांत। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए 22 मई 2019 को किस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है बी, ब्रह्मोस मिसाइल। हवा से जमीन पर मार करने वाले इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की किस सीट पर बीजेपी के नेता कृष्णपाल सिंह ने कांग्रेस के नेता ज्योतिराव सिंधिया को हराकर चुनाव जीत लिया है? सही आंसर है ए, गुना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने 23 मई 2019 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया? सही आंसर है सी, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी है। किस देश के रहने वाले गोपाल श्रेष्ठ 23 मई 2019 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले HIV संक्रमित व्यक्ति बन गए हैं? सही आंसर है ए, नेपाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने इतिहास रचते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी होने का कीर्तिमान स्थापित किया है? सही आंसर है सी, TCS। किस भारतीय राजनयिक को हाल ही में जापान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए नामित किया गया है? सही आंसर है डी, श्याम सरन। सिक्किम के किस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी मिलेगी? सही आंसर है ए, प्रेम सिंह तमांग। कर्मचारी अतिरिक्त छुट्टी का उपयोग अपने स्वास्थ्य और परिवार हित में कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 28 मई को। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी कि महावारी स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है और इस बार यानी कि 2019 का थीम था इट्स टाइम फॉर एक्शन। हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2019 से कर्मचारियों पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितना प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? सही आंसर है सी, 3%।
भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने जर्मनी के म्यूनिक में चल रहे ISSF के वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ए, स्वर्ण पदक। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व कप 2019 का पहला मैच 30 मई 2019 को इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला जा रहा है? सही आंसर है बी, दक्षिण अफ्रीका। विश्व कप का पहला मुकाबला लंदन के द ओवल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।